जैसे कि आप सभी को पता है मेरी एक पुरानी वीडियो जो काफी ज्यादा फेमस है और सबने उसमें एक ही चीज पूछी है कि भाई साहब ये आप लोकेशन दे दीजिए, वो स्पीड फ्लो पंप कहाँ मिलता है। तो आज हम आपको पूरी लोकेशन बताएंगे। उसके लिए हम आए हैं अभी इधर नादरा बस स्टैंड, आपने सुना होगा भोपाल में लोकेशन डालोगे आप नादरा बस स्टैंड, वहाँ से आपको सीधा निकलना है। सीधे निकलोगे तो बीच में एक दुर्गा जी का मंदिर आएगा और उसके आगे ये सामने मस्जिद जैसी दिख रही है, मतलब ये रास्ते पे चलना है आपको, जिसमें आपको साइड से आप देखोगे तो ट्रैक्टर और मशीनरी के सामान की दुकानें चालू हो जाती है। जैसे ये देखिए दूरदर्शन, उसके बाद गुजरात, दीपक, बरसा, शराब, गोपी और यहाँ पे है ये श्री जी दुकान। ये यहाँ भैया जरा लगा जाओ बगल में साइड लगा, ये देखो आपको स्पीड फ्लो नाम से मिल जाएगी। SF के ये पंप रखे हुए हैं, ये राय का नाम से भी है। यहाँ पे देखो पूरा सामान जो है जितना भी आप ढूंढोगे, मतलब ट्रैक्टर के मामले में या फिर हाँ जिनको ऐसे सामान जो चाहिए जो कि डेली लाइफ में यूज हो, जैसे ये ठेके वाले लोगों के लिए ये छोटी छोटी गट्टी हो, ये दुकान तो खुलने वाली होगी अपना करू करने देगा। वहाँ की जगह पार्क कर दो। तो ये जो है ये जो जगह यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, जैसे ये एग्रो ट्रेड उषा करके, ये अरिहंत वाले के सामने है, अरिहंत ट्यूब्स, बालाजी श्री, यहाँ पूरा खेती का मार्केट है, पूरा पूरा, मतलब आप देखोगे ना ये रमेश इंजीनियरिंग, और इधर भी देखो आप पूरा बॉम्बे मशीनरी, मतलब जितनी भी मशीनरी का सामान अगर आप देखोगे वो सब यहाँ पे मिलता है। और इसकी लोकेशन है कि इधर आगे आप आओगे तो यहाँ रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के बाद आएगा नादरा बस स्टैंड, और नादरा बस स्टैंड से ये सीधी गली निकल के आती है। इसको बाल विहार भी कहते हैं, इस जगह को बाल विहार लोग। तो ये जगह पर आप आसानी से आ सकते हैं, और मेरे को दिख नहीं रहा है लिखा हुआ क्या मिला है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ कहीं पर लिखा हुआ दिख जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। सब चीज़ें मिलती है, ट्रैक्टर के टायर, बोनट, ये वो सब जितना भी सामान है हर चीज़ मिल जाएगी। तो एक एक से मैं आपको पूरी चीज़ दिखाता हूँ, और पहले तो वो स्पीड फ्लो दिखा देता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड सबसे ज़्यादा उसी की थी। थोड़े पार्किंग में समस्या है, लेकिन इसका नाम जो है एरिया का वो ये है कि भोपाल प्लाजा बेसमेंट हमीदिया रोड, भोपाल प्लाजा, यहाँ से ये देखो ये मशीनरी की शॉप है, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे आपको, ग्लेंडर ब्लेंडर और वेल्डिंग मशीन, सभी सस्ता सामान, सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी, अगर किसी को जोर की लग जाए तो यहीं अपना काम खाली भी कर सकता है। और खेती खेती के पूरे सामान है, हर चीज़ की मशीनरी मिल जाएगी तुमको, जैसे ये स्पीड फ्लो के एयर पम्प वगैरह, वाटर पम्प, सब कुछ, नीचे वाटर पंप भी मिल रहे हैं। ये देखो हमने लिया था ये वाली मशीनरी वाली दुकान से, ये स्पीड फ्लो, ये इसमें नंबर भी है, ये ऐसे लिया था नहीं अपन ने, कौन सा श्री जी पीछे राय श्री से, मैं इनसे लिया था भैया। और ये एरिया देख लो आप, यहाँ पे हर जगह सामान मिलेंगे। ये आप देखो ये नीचे मतलब उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, बहुत सारे सामान है इधर। छोटी छोटी है लेकिन इनके गोडाउन इतने बड़े बड़े हैं अंदर, कि उसमें देखने जाओ सामान तो क्षमता ही खत्म हो जाती है, पर वो अंदर वीडियो बनाने का मना कह रहे हैं कि भैया वीडियो मत बनाओ, तो बाहर से ही देख लो। ये कुछ ज्यादा बड़ा जेक नहीं लग रहा? हाँ ये जेक फन बहुत बड़ा है यार, हेलीकॉप्टर उठाना का होगा, हेलीकॉप्टर मोटरसाइकिल उठाना। तो ये देखो जैसे नीचे इनकी ये वर्कशॉप है, इसमें पूरा सामान लदा पड़ा है, बिल्कुल अंड संड सामान बड़ा। ये इधर देखो रमेश इंजीनियरिंग वर्क, यहाँ से सब सामान जाता है, मतलब ये SP के सामान के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ पे। और इधर ये ट्रैफिक लाइट आ जाता है, और एक ये मस्जिद आ जाती है, ये कौन सा का ही बोला है, ओल्ड भोपाल सिटी, लेफ्ट में इधर भी कबाड़, उससे लेफ्ट थोड़ा आगे चले जाओगे तुम्हारा मेन रोड पर ट्रैक्टर का कबाड़ मिलेगा, इधर से उधर जाएंगे तो फिर ट्रैक्टर के कबाड़ है, मतलब राइट वाले साइड पे। और वहाँ बेरिंग वेरिंग की दुकानें भी है, जितने भी प्रकार के बेरिंग मिलते हैं, और इधर पूरे कबाड़ है,
कबाड़ से जुगाड़ वालों, ये जगह है किसानी वाले के लिए, किसानी मोहल्ले के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी। अभी ये देखो अरिहंत के ट्यूब टायर और सब सामान हो। भैया हम इंटर हो चुके हैं कबाड़ मार्केट में, यहाँ पे हर चीज़ सेकेंड हैंड आपको मिल जाएगी। नहीं तुम तो हटो, तुम क्यों मिल रहा, ये देखो ये दाखला, अरे ये देखा पाना पुना, ओ हो बाप रे, हर चीज मिल जाएगी हर चीज। ये देखो ओल्ड वाले, हर चीज ये ले है, बन रही है लाइव। तीन टपरा सबका ही, आपको झटका मशीन भी मिल जाएगी, बेल वगैरह अगर कुछ भी आपके यहाँ पे उठते हैं तो उनको भगाने के लिए, और उसके साइड से पंप भी है, टायरों के लिए मोल्डिंग वाला सिस्टम भी यही हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक सोलर पैनल और ये और वो और सबकी सब्सिडी का भी कार्यक्रम है ऊपर। इसके आगे बॉस का शोरूम भी है, अगर चाहो तो वहाँ पे भी जा सकते हो। हाँ तुमको ये ऑटो रिक्शा वालों से थोड़ा सावधान रहना, अभी मेरे पैर पे चढ़ाते चढ़ाते बच्चा इतनी पास से निकाल के लेके गया, मतलब बॉडी तो मेरे से टच ही हो रही थी उसकी, तो थोड़ा सा सावधान भी रहें, नहीं तो अपने सिर के ऊपर से निकल जाएंगी, कोई भरोसा नहीं। बाकी सामान सब कुछ मिलेगा, राजू मशीनरी इंजीनियरिंग एंड कंपनी वाला से पूछ काम गए अपन एक बार, ये काफ़ी सारे सामान ले लिए जो जो हमको लग रहे थे। अब हम निकल रहे हैं घर, आप सबको लोकेशन हमने बता ही दी है, और बाकी वीडियो में भी आपको अब याद रहेगी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आना है अगर रेलवे स्टेशन से आते हैं या नादरा बस स्टैंड, और उसी की गली से सीधे सीधे आ जाना है। सीधे सीधे आओगे तो ये ओल्ड सिटी का रास्ता है, जिसमें आपको ये बाहरी दुकानों का लुक ऐसा दिखेगा, ये लिखा हुआ है रायश्री कॉम्प्लेक्स, और हमने जिस दुकान से लिया था वो भी आपको बता दी है। और ये देखो वो उन्हीं के स्पीड फ्लो का रखा हुआ, और भी कंपनी का ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा निकला, अभी हमारा बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। तो ये मार्केट बड़ा ज़ोरदार है, जिन भी किसानों को सामान लेना है ये देखो, लेकिन थोड़ा बहुत तो मोल भाव करना पड़ता है, क्योंकि ये ओल्ड भोपाल है, पहले प्राइस अनसर्न बताएंगे, फिर बाद में तुम दो चार बार भाव कर लोगे तो कीमत जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। यहाँ पे भी एक कॉर्नर पर अच्छी दुकान है, सस्ती दुकान है, रिपेयर करवाना है, नाम क्या है, द्रौपदी इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीनरी, सामान भी सब मिलते हैं, रिपेयर भी हो जाती है, तो बढ़िया गाड़ी है। कबाड़ खाना डालो मैप पे, वैसे आ जाओ। हाँ कबाड़ खाना डाल के भी आ सकते तुम, कबाड़ खाना बस एक आगे जैसे गया, इधर लेफ्ट डाले तो नॉर्मल कबाड़ है, उधर डाला तो आपने ट्रैक्टर का कबाड़ है। चलो ट्रैक्टर का कबाड़ भी घुमा ही देते हैं लोगों को,